नो हिंसा मामले में अब तक 60 FIR दर्ज, 242 लोग हुए गिरफ्तार। पीएम ई बस योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी, देश के 100 शहरों में दौड़ेगी 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें। विश्वकर्मा योजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिली, जिसके माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा के तहत कौशल कार्यों को बढ़ाने वाले कामगारों का किया जाएगा विकास। मुंबई में लोकल ट्रेन में लगेंगे आधुनिक ऑडियो अलर्ट सिस्टम, यात्रा होगी सुरक्षित। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा के चलते कई नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त, नितिन गडकरी ने की समीक्षा। दिल्ली में झमाझम बारिश से खुशनुमा हुआ मौसम, उमस से राहत, 205.43 मीटर दर्ज हुआ यमुना का जलस्तर। स्वतंत्रता दिवस परेड में जय श्री राम के नारे लगाने पर छात्रों से मारपीट, 2 टीचर्स के खिलाफ केस हुआ दर्ज। बूंदाबांदी से खुशनुमा होगा इंदौर, भोपाल का मौसम, 2 दिन बाद शुरू होगी तेज बारिश। क्रिप्टो करेंसी में निवेश को लेकर भारतीय महिलाओं में जबरदस्त क्रेज, 10 में से एक महिला क्रिप्टो में निवेशित। जरीन खान हुई अस्पताल में एडमिट, डेंगू के चलते बिगड़ी हालत, फोटो शेयर कर लोगों को दी अलर्ट रहने की सलाह।